वेलकम स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें फाइंड आउट करना है कि इस एपी सीरीज के कितने टर्म्स का सम लें कि उसका सम जीरो हो जाए। सो ये एपी सीरीज दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 27, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -3। हमें पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिया जाए। पता नहीं है तो सपोज n टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स क्वेश्चन के अनुसार जीरो हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं n अपॉन 2, ये जीरो होगा। वैल्यू पुट अप कीजिए, d की वैल्यू -3, तो यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n अपॉन 2 54 प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। n अपॉन 2 इंटू 2 नंबर ऑफ टर्म्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये पार्ट इसका जीरो होगा। 57 माइनस 3n इज जीरो, सो 3n विल बी 57 एंड n इज 57 अपॉन 3। सो ऐसे 19 टर्म्स लेंगे इस एपी सीरीज के, तो उनका सम आपस में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।